गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, खुश आमदीद करता हूँ आपको जीनियस क्लस्टर ट्रैवल ब्लॉग्स के अंदर। अच्छा, मेरी वीडियो जो है आप लोग देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप उसको लाइक करते हैं। लेकिन मेरी जो वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि किसी तरह से आपको ये बता सकूं कि आप किस तरह से चीप ट्रैवल कर सकते हैं, बजट ट्रैवल कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। और आज जो मेरा एक सबसे बड़ा बजट ट्रैवल है वो है मालदीव के हवाले से, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए और मैं अपने दोस्तों से भी इस टॉपिक पे काफ़ी गुफ्तगु कर चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ, जिसमें ये है कि हमेशा मालदीव का जब भी नाम आता है तो ये होता है कि यार कोई हनीमून पैकेज है या कोई बहुत महंगे लग्जरी पैकेजेस हैं। लेकिन जो मैं अब ट्रैवल करने लगा हूँ, मैं आपको रेट, प्राइस, हर चीज़, होटल से लेकर, फ़्लाइट से लेकर, डेस्टिनेशन से लेकर सब चीज़ें बताऊंगा। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए। आगे चलकर मैं आपको प्राइस और सारी चीज़ें बताता हूं। इस वक्त मैं अवेलेबल हूं अबू धाबी के अंदर यूएई में, जो कि टर्मिनल 1 है, और यहाँ से काफ़ी सारी आपको चीप ट्रैवलिंग के हवाले से फ़्लाइट्स मिल सकती हैं, ख़ासतौर पर विज एयर, जिसकी मैं आपको टिकट की मालूमात देता हूँ कि कितने में मुझे टिकट पड़ा जाने का, और उसके आगे जो मेरी डेस्टिनेशन है उसका टिकट मुझे कितने का पड़ा। तो आइए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और आप इमिग्रेशन के मामला तय करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने एयरपोर्ट पर आने के बाद क्या किया और क्या क्या मेरे एक्टिविटीज़ रही। अच्छा दोस्तों, इमिग्रेशन तो क्लियर हो गई। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मालदीव जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ को ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा देता है, और यूएई से यानी कि एमिरेट्स आईडी आपके पास है, यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आप बिना वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन ने तो खैर कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, लेकिन दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मुझे आपको बतानी है। नंबर 1 ये कि अब PCR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं तब भी कोई PCR की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पर और ना ऑन अराइवल। यानी पहले हुआ करता था 48 आवर्स पहले आपने PCR करना, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है मालदीव के लिए ख़ासतौर पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक इसका दे दूंगा, जो कि मालदीव इमिग्रेशन के तवसल से एक लिंक है, जो कि आपने अपनी ट्रैवलिंग से पहले वो फिल करना होता है, वो एक तरह की इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन है, और उसके अंदर ट्रैवलिंग, फ़्लाइट, होटल, और आप वहाँ पर कितने दिन स्टे करेंगे, तो उस तरह का एक QR कोड बनता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर अगर दिखा सकूँगा तो आप देख सकें उसको। तो बस ये चीज़ें हैं, और बाकी हर चीज़ डन हो चुकी है, और अब मैं जा रहा हूँ लाउंज में, क्योंकि लाउंज भी एक्सेस करना चाहिए, क्योंकि एक फैसिलिटी मिलती है जहाँ पर आप रिफ़्रेश हो सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए आपको लाउंज की सैर कराते हैं। लाउंज एक्सेस से रिफ़्रेश होने के बाद अब जा रहा हूँ टुवर्ड्स अपनी फ़्लाइट के, और अबू धाबी से जो कैपिटल है माले उसकी फ़्लाइट है, और इसमें तकरीबन 5 आवर्स का टाइम लगेगा, ड्यूरेशन है इसकी। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि हम में से अक्सर लोगों के डेबिट कार्ड्स के पास के अंदर ये ऑफ़र होती है जो हम लोगों को पता नहीं होता। अपने बैंक से ज़रूर रब्ता करें, उनसे पूछें। ये जो लाउंज एक्सेस जो मैंने आपको सारे मनाजिर दिखाए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यहाँ पर खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और फ्री ऑफ चार्ज होती हैं। तो ये भी अपने बैंक से ज़रूर पता करें, क्योंकि अमूमन अपने हर मुल्क के अंदर जितने भी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके ऊपर ये फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो आइए चल, अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरे सामने बोर्डिंग हो रही है फ़्लाइट की। अराउंड इस वक्त बज रहे हैं 12:30 और मेरी फ़्लाइट है 1:30 पर, 5 घंटे का ड्यूरेशन है, और जो कि माले का जो मुकामी टाइम होगा वो होगा 7:30। तो आइए चलते हैं टूवर्ड्स माले।
गाइस वेलकम टू मालिक, पहुंच चुका हूं, इमिग्रेशन क्लियर हो गई है और वन ऑफ द बेस्ट और स्मूथ इमिग्रेशन रही है। इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं क्योंकि मैंने यहां से ट्रैवल करना है कोलालंपुर और उसके बाद मैंने जाना थाईलैंड। उन वीज़ों की कॉपीज़ ली और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा। और उसके बाद जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हुई, मैं बाहर निकला अराइवल से, तो वहाँ पर इन्होंने टूरिस्ट के लिए एक मशीन लगाई हुई है जिसमें आप वहाँ से सिम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि अपना पासपोर्ट आप सिर्फ स्कैन करें और आपको ये जो सिम है इस तरह की, ये सिम क्योंकि मैंने निकाल ली है इसमें से, ये कंपनी है सिम की, आप देख सकते हैं ये फ्री ऑफ चार्ज है। आप बाहर से लेंगे तो शायद चार्ज लगे आपको, लेकिन यहाँ पर ये आपको फ्री मिल सकती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे इनकी चीज़ लगी है और आप भी आएँ तो ज़रूर इसको फाइंड आउट करें। ये आपको नज़र आ जाएगा और जैसे ही आप बाहर निकल रहे होंगे एग्जिट पर, तो एग्जिट पर राइट हैंड साइड पे बस सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना और कोई डिटेल एंटर नहीं करनी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, वार्म वेलकमिंग लगी। ये एयरपोर्ट की एग्जिट, मेन एग्जिट, यहाँ से सब बाहर निकल कर आते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर ये सारी, ये भी टैक्सीज हैं, एक तरह की कैब है, ये लेकर जाती हैं जितने भी आपके जो भी रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं। और ये एक तरह का आप ये समझ लें टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली फेरी शिप पासपोर्ट्स ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हर आधे घंटे के बाद ये चलती है, ये आपके सामने जो दिख रही है। लेकिन मैंने जाना है बाय रोड जो कि है यहाँ का होलू माले, जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट आइलैंड है, जो कि मैन मेड आइलैंड है। जैसे माले सिटी का आपने नाम सुना होगा, जो कि एशिया का सबसे छोटा कैपिटल है और उसके साथ इन्होंने एक मैन मेड बनाया जिसका नाम है होलो माले। तो मैंने वहाँ जाना है, वहाँ पर चीपेस्ट होटल है, तो आइए चलते हैं होटल और आपको दिखाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स अपने होटल क्योंकि मैंने एक पिकअप अरेंज करवाई है होटल से ही और आपको उसकी, चलें होटल चलकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कितने में मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी, होटल कितने का मुझे पड़ा, फ़्लाइट की कितनी कॉस्ट थी। ये वन ऑफ द चीपेस्ट मेरी आज तक की ट्रैवलिंग, तो आइए चलते हैं टूवर्ड्स होटल।